हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज स्टूडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर डबल लेयर बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रासो का फैब्रिक लिया है, वो है 1 मीटर, और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो भी है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं टॉप का पार्ट कट करूँगी, तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। यह है हमारा बेस का फैब्रिक, तो शोल्डर में मैं लूँगी 5 इंचेस का, आर्महोल भी मैं लूंगी 5 इंचेस। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट आता है उसे डिवाइड बाय 4 करना है, और आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 10 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है। आर्महोल हमने लिया था 5 इंचेस, उसका हाफ होता है 12.5, तो यहाँ से हमारा आर्महोल का कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से मैंने आर्महोल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंच, और लेंथ मैं लूँगी 4 इंच। यहाँ पे हम राउंड शेप बनाएंगे। तो ये मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है फ्रंट और बैक के लिए। अब हम बॉटम को कट करेंगे, तो सबसे पहले मैं लेंथ मार्क कर लेती हूँ। तो बॉटम की लेंथ में ले रही हूँ 18 इंचेस, ये है हमारे बेस फैब्रिक की लेंथ। अब जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे मैं 2 फोल्ड करके इस तरह से मार्क कर लूंगी, और यहां से बस हमारी लेंथ तक इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा बॉटम का पार्ट बेस फैब्रिक के लिए। तो इस तरह से ये हमें कट कर लेना है। ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, ये जो हमारा ब्रासो का फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और इसके ऊपर हम जो हमने ऑलरेडी टॉप का पार्ट कट किया है उसे मैं 2 फोल्ड में रखूंगी, और हमें बस इसे एज इट इज कट कर लेना है। जैसे मैंने रखा है वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से ये मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब मैं एक पार्ट को हटा दूंगी, वो होगा हमारा बैक का पार्ट, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हम शेप देंगे। तो यहाँ से मैं शेप दूंगी, हल्का सा राउंड शेप देना है यहाँ पे। तो इस तरह से ये मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया है, इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट के लिए पार्ट। अब बॉटम के लिए मैंने इस तरह के 2 पीस कट कर लिए हैं रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस। 2 इंचेस मैंने कम रखा हुआ है बेस फैब्रिक से, और ब्रॉडनेस मैंने ली है 43 इंचेस। तो इस तरह के मैंने बॉटम के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें इसे भी राइट साइड पर ही रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है, और यहाँ पे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हल्का सा फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दिया है। अब हम नेक पार्ट बनाएंगे।
तो मैंने नेक के शेप का एक स्ट्रिप कट किया हुआ है, इसे हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे मैंने उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर में ये ब्रासो का जो हमने पीस कट किया उसे भी मैं उल्टा रखूंगी। दोनों मैंने रॉन्ग साइड पे लिया हुआ है और इसे अच्छे से मिलाना है दोनों को। उसके बाद हम इस पूरे नेक पार्ट में सिलाई लगाएंगे। यह है हमारा बैक का पार्ट। तो ये देखिए मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हाथों से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न करना है और आपको डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो इसे बस डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगानी है। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हम नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इसी तरह से हमारे दोनों नेक तैयार हो जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर दूसरा पार्ट में उल्टा रखूंगी। बैक पार्ट को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करनी है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल्स बनाएंगे। तो ये मैंने क्रॉस में एक स्ट्रिप कट किया हुआ है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरा स्ट्रिप यहाँ पे रखूंगी और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। और सिलाई लगाने के बाद नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने नेक पार्ट बनाया है वैसे ही हमें आर्म होल्स तैयार करने हैं। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है तो आर्म होल्स हमारे तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें गैदरिंग तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है। इस पूरी ब्रॉडनेस में आपको बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक धागे को मैं अलग करके यहाँ पे हल्के हाथों से खींचूंगी और इस तरह से आपको खींचते जाना है तो आपकी गैदरिंग बनती जाएगी। इसी तरह से हमें पूरी ब्रॉडनेस में गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट के लिए भी गैदरिंग बनानी है पूरी ब्रॉडनेस में। ये देखिए हमने दोनों में गैदरिंग बना ली है। अब ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसे सीधा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाना है हमें। और इस पूरी ब्रॉडनेस में हमें सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है और ये मेरा राइट पार्ट है। उसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे इस तरह से और इस पूरी ब्रॉडनेस में मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से बैक पार्ट में हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मैंने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। अब यहाँ पे हमें 1 इंच के डिस्टेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम दोनों को मिलाते जाएंगे और सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग कर ली है। अब इसे हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे या फिर आप इसे पिको भी कर सकते हैं। और इसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें फ्लावर लगाने वाले हैं, तो इस तरह का मैंने ये फ्लावर बनाया हुआ है। इसे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे रख के थ्रेड और नीडल से इसे फिक्स कर दूंगी। यहाँ पे आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।